दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना बेहद दुखद है। हमने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। टर्मिनल एक पूरी तरह से बंद है और सभी विमानों की आवाजाही टर्मिनल दो और टर्मिनल थ्री पर स्थानांतरित की गई है। जिन लोगों की उड़ानें रद्द हुई हैं उन्हें या तो रिफंड दिया जा रहा है या कोई दूसरी फ्लाइट दी जा रही है। हम 7 दिनों के भीतर लोगों को रिफंड देने के लिए सर्कुलर भी जारी करेंगे। हमने टर्मिनल दो और टर्मिनल थ्री पर वॉर रूम बनाए हैं। हमने एयरलाइंस को हवाई किराए में वृद्धि न करने का निर्देश देते हुए सर्कुलर भी जारी किया है। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना फिर से हो, इसलिए हमने IIT दिल्ली के संरचनात्मक विभाग से एक विशेष टीम बुलाई है। वो एक प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट देंगे जिसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दुख की बात है कि इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। हम पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे और सभी घायलों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। The incident which has happened at the Delhi T1 airport, the collapse of a roof of one of the terminal buildings, it has been a very tragic incident. And I would like to offer my condolences to the family which has lost one life, and also some of them were injured in the incident and they were immediately taken to the hospital. They were given proper care and we are taking full care of them so that all the medical facilities that they need are provided. And other than that, we have taken control of the situation and now T1 has been completely closed. Immediately after the incident happened, all the emergency response teams, NDRF, CISF teams, all the teams have arrived at the site and they have done what is required so that there's no more damage that gets done. So T1 was totally evacuated, closed for the time being, and all the flight movement has been shifted to T2 and T3.